उसकी कीमत बढ़ा के बता दी 360 और उसमें 50-60 हज़ार रुपए कम कर दिए, तो भैया जी आधी सब्सिडी हमने काट दी है। 62 इंची रीपर हमारा 15 मिनट में ट्राली भर दे। केस की बिकने का सबसे बड़ा कारण तो एक तो है इसका ट्रैक्टर पे लोड कम लेना। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका पाल ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है और भाइयों आज की वीडियो में आपको केएस कंपनी का रीपर दिखा रहा हूँ। मेरे साथ भैया जुड़े हुए हैं और किसान भाई भी जुड़े हुए जिन्होंने ये रीपर परचेज किया है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? बस बढ़िया हैं जी। तो भैया हमारे किसान भाइयों को बताएं, आज आपने जो रीपर है ये कितने इंची का दिया है किसान भाई को? सर ये आज जो हमने रीपर ये डिलीवर किया है ये 62 इंची रीपर है। ट्रैक्टर हमने दिया है, ये ट्रैक्टर पे दिया है, 60-55 ट्रैक्टर पे दिया है हमने 62 इंची रीपर। अच्छा जी। हाँ जी। तो मेरे भाइयों को एक बात बताओ, जैसे ये 62 इंची का रीपर है। हाँ जी। केस का रीपर है। हाँ जी। और इसके लिए मतलब वैसे कितने एचपी का ट्रैक्टर चाहिए? इसमें 62 इंची रीपर के लिए कम से कम 50 HP ट्रैक्टर चाहिए। अगर जो हमारा 756 आता है रीपर, अच्छा। उसके लिए 45 HP तक भी ट्रैक्टर रिकमेंड होता है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास चलेगा रीपर। अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात। अदर कंपनियां मतलब काफी बड़े बड़े ट्रैक्टर लगाती हैं, मगर ये केस रीपर की यही सबसे बड़ी खासियत है कि ये अदर रीपरों के मुकाबले ट्रैक्टर पे सबसे कम लोड लेता है और खिंचाई सबसे ज्यादा करेगा और ट्रैक्टर पे लोड सबसे कम लेता है। अच्छा जी। हाँ जी। नहीं, काफी भाई कमेंट में भी बोलते हैं कि रीपर काफी अच्छा है। हाँ जी। मतलब कुछ लोग इसे चला भी रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। सबसे समझ लो इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला रीपर है ये। इस समय बहुत बिक रहा है 2023। सबसे ज्यादा। सबसे। अच्छा जी। हाँ जी। तो इसके मॉडल बदले कितने आते हैं इसमें जी? कंपनी ने अब 3 मॉडल लॉन्च किए हैं इसके। एक तो 756 आता है जी, और एक आता है जी 59 इंची आता है। अच्छा। और एक ये 62 इंची आता है जी। 3 मॉडल आते हैं। अच्छा, 62 इंची है। हाँ जी। तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, थ्रेसर के बारे में बताएंगे थोड़ा? हाँ जी। थ्रेसर जो इसका थ्रेसर है अपना 62 इंची थ्रेसर है और एक 16 लाइनें होती हैं उसमें। 16 लाइन में 20 ब्लेड होते हैं एक लाइन में, और फिर इसकी एक लाइन बैक में इन्हें एक्स्ट्रा दे रखी है जो की कटाई बहुत तेजी से कटाई हो और खिंचाई बढ़े जिससे, और डबल बास्केट में आता है ये। डबल नीचे बास्केट डबल दे रखी है, 2 लाइनों की बास्केट नीचे अलग से दे रखी है। अच्छा जी। और इसका पंखे में भी बैरिंग, इन्होंने 11 नंबर बैरिंग दे रखा है। रीपर के 10 नंबर बैरिंग डालते हैं, ये पंखे में भी 11 नंबर बैरिंग दे रखा है। टीआर के बैरिंग आते हैं? हाँ जी, सारा ही टीआर का बैरिंग आता है जी। अच्छा, बाकी इसकी पुली के बारे में थोड़ा बताएंगे? पुली जी इसमें जो फिलहाल तो पुली ये फार्म ट्रक के हिसाब से 15-11.5 की पुली है, 15-20 का गियर लगा हुआ है। एक इसमें हमारा जो 59 इंची मॉडल आता है उसमें अपना मल्टी स्पीड गियर बक्सा भी दे रखा है। उसमें हमें पुलियां चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, खाली गियर बॉक्स में 2 गरारी चेंज करो, हम किसी भी ट्रैक्टर के हिसाब से RPM सेट कर सकते हैं उसमें। रूटावेटर में होता है मल्टी स्पीड वाला? हाँ, बस जैसे हम रूटावेटर में गरारी चेंज करते हैं सेम वही पोजीशन है। अच्छा, अच्छा। कटर वाल जो इसका ये 15 फिंगर का 7.5 फीट का कटर वाल आता है इसमें। अच्छा। हाँ जी। और जो आप देखोगे ये क्वालिटी, इधर ये क्वालिटी देखोगे इसमें चूहे जो लगा रखे हैं, आम जो बहुत हल्की क्वालिटी के इस्तेमाल करे जाते हैं, इसमें बहुत हैवी क्वालिटी के चूहे इस्तेमाल करे गए हुए हैं। अच्छा। हाँ जी। हर चीज इसमें देखोगे आप जो भी है इसमें बहुत हैवी इस्तेमाल करी गई है। अच्छा जी। जैसे एक बात बता, जैसे मान लो खेत में मतलब लान भरपूर है। हाँ जी। और मौसम भी ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, तो कितने मिनट में ट्रॉली भर देगा? अगर भरपूर लांग है, मौसम भी ठीक है, 62 इंची रीपर हमारा 15 मिनट में ट्रॉली भर देगा जी। आराम से? आराम से भर देगा जी। आप खेत में सीजन में जाके चेक कर भी कर सकते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। नहीं, बहुत से लोग ये चाहते कि सर कोई डेमो वगैरह चाहते हैं। डेमो आप सीज पे जब सीजन चल रहा होगा, आप किसी कस्टमर के पास आप जाना, जाके उनसे रिव्यू लेना, तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि वो कितने देर में ट्राली भर रहा है क्या। बिल्कुल जी। हाँ जी। अब हम आपको कहेंगे उससे फर्क बहुत पड़ेगा, जो आप डायरेक्ट देखेंगे जाके तो उससे फर्क बहुत पड़ता है जी। बिल्कुल। हाँ जी। तो अभी तक मतलब अपने कितने रीपर सेल हो चुके हैं जी? अब तक जी 45 से प्लस हो गए हैं जी रीपर, 45 से ऊपर बिक चुके हैं। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा जी। हाँ जी। सबसे ज्यादा कौन सा मॉडल बिका है आपका जी? सबसे ज्यादा 756 जी। 56 बिका। हाँ जी। दूसरे नंबर पे 62 और 59 इंची की थी जो नया लॉन्च किया था कंपनी में, तो कंपनी अभी इतना ज्यादा उसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाई, तो इसलिए वो 2-3 पीस हमने वो भी दिए। अच्छा हाँ जी। इसकी कुछ गारंटी वारंटी दे रहे हैं आप जी? पूरे सीजन में कोई दिक्कत परेशानी आ जाए, पूरी सर्विस वैन पूरे सीजन में हमारे पास रहती है, कोई परेशानी आ जाएगी पूरे सीजन में हमारी जिम्मेदारी है उसकी। अच्छा जी। हाँ जी। तो मुझे एक बात बताओ किसान भाइयों को, जैसे रीपर तो यहाँ बहुत लोग बेच रहे हैं। हाँ जी। हाँ, काफी रिटेलर है यहाँ पे। हाँ जी। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा केस ही क्यों बिक रहा है जी? केस की बिकने का सबसे बड़ा कारण तो एक तो है इसका ट्रैक्टर पे लोड कम लेना। अच्छा। और अदर रीपरों के मुकाबले ये वाइब्रेशन बहुत कम करता है रीपर। कई रीपर हैं कि रीपर कांपते बहुत हैं, बहुत ज्यादा वो चलते हैं, और ट्रैक्टर के पीछे चलते हुए बहुत स्मूथ चलता है, इसी वजह से इसका, और खिंचाई बहुत ज्यादा है रीपर की इसी मामले से, इसी वजह से ये रीपर लोग काश्तकारों को खूब पसंद आता है। अच्छा जी। हाँ जी। तो भाइयों मेरे साथ किसान भाई जुड़े हुए, इनसे बात करेंगे, थोड़ा किसान से चर्चा करते हैं। हाँ जी, ये किसान भाई हमारे जुड़े हुए जिन्होंने 62 इंची रीपर आज परचेस किया है, आप उनसे बातचीत करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार।
क्या नाम है आपका? सुखदेव सिंह नाम है, मैं सत्तरपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा जी, तो आपने केस रिपर क्यों लिया? केस का क्वालिटी बढ़िया है और अच्छा रिपर बनाता है, जल्दी ट्रॉली भरता है, इसलिए केस का रिपर लिया। अच्छा, ट्रॉली जल्दी भरता है? हाँ जी। अच्छा, आपको मतलब कैसे पता कि ट्रॉली जल्दी भरता है? हमारे वो पहले भी ये मशीनें जा चुकी हैं, मशीनें पहले पहुँच चुकी हैं। अच्छा, तो देख के फिर ये मशीन हमने केस की। अच्छा, पहले आप किसान के मतलब पास गए होंगे ना? हाँ जी, पहले मैंने पता कर रखा, फिर मैंने ली ये मशीन ली। अच्छा जी, तो ट्रैक्टर आपके पास 60-55 है? हाँ जी, 60-55 ट्रैक्टर है। अच्छा जी, तो रीपर से मतलब आप खुश हैं ना? हाँ, रीपर से बहुत खुश हैं। अच्छा जी, तो किसान भाइयों, एक बार मैं सर जी के ट्रैक्टर की वीडियो लेके आऊंगा। सर जी, जैसे आप सीजन का टाइम चालू होने वाला है, अप्रैल में चालू हो जाएगा ना? अप्रैल में स्टार्टिंग चालू हो जाएगा, अप्रैल में स्टार्टिंग हो जाएगा। तो मेरा ये की मानना है, मतलब जैसे भाई वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अब आप किसी किसान के पास गए तभी आपने रीपर परचेज किया, आपने रीपर लिया है, तो किसान भाई आपकी वीडियो देखेंगे, तो सीजन में फिर आपको तभी वीडियो में पता चलेगा क्या है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो भाइयों, मैं एक बार सर जी का डेमो लेके आऊंगा, ठीक है, ट्रैक्टर पे आपको दिखाऊंगा और आपको ये भी दिखाऊंगा कि ट्रैक्टर कितने मिनट में ट्रॉली भरेगा। हाँ जी, हाँ जी, है ना जी? हाँ जी, बिल्कुल, नाप के आपको दिखाएंगे, टाइम लगा के दिखाएंगे। भैया, इसके बारे में थोड़ा बताएं जरा। हाँ जी सर, ये इसके बारे में हम बताते हैं आपको। इसमें इस रीपर पे जो 62 इंची में है पीछे अपना, इसमें तीन पंखे आते हैं जी, इसमें तीन ब्लोर हैं। हाँ जी, तीन ब्लोर आते हैं इसमें। अच्छा, तीन ब्लोर आते हैं, तीन ब्लोर में अपना एक ब्लोर में चार पंखे आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, चार पंखे? हाँ जी, खोल एक ब्लोर में चार पंखे देखेंगे, और पंखे भी आप किसान भाई देखेंगे कि काफी हैवी पंखे इसमें लगे हुए हैं। कई रीपरों में होते हैं बहुत हल्की चद्दर के पंखे लगे होते हैं, इसमें बहुत हैवी पंखे लग गए। लाइट की सुविधा भी इसमें दे रखी है। सही है, लाइट लगी हुई है? ये लाइट लगी हुई है। अच्छा। और बाकी इसमें साइड में एक हूटर भी लगा होता है, जैसे कि किसान भाई का चलते हुए रीपर में कोई पत्थर वगैरह आ जाता है या कोई और चीज आ जाती है, तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक खुल जाता है, हूटर आवाज करने लगता है। अच्छा जी, हाँ जी, बिल्कुल, ये सुविधा भी इसमें दे रखी है। बाकी टूल बॉक्स भी दिया हुआ है? हाँ जी, टूल बॉक्स आप देख ही रखे हैं, दे रखे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो भैया, कुछ सब्सिडी वगैरह इस पे आती है कुछ? भाई साहब, सब्सिडी इसमें आती है लगभग, हमारे उत्तरांचल में सब्सिडी 1,30,000 रुपए सब्सिडी आती है। अच्छा। मगर वो पहले से अप्लाई करना पड़ता है, ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। अच्छा। वो फॉर्म में जिसका नंबर सिलेक्ट हो जाए या नाम आ जाए उसका, फिर उसको मिलती है जी। भैया, कोई कीमत इसकी बताएंगे इस समय कुछ? तो कीमत जी इसकी फिलहाल 3,70,000 रुपए कीमत है जी। अच्छा भैया, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। काफी लोग मतलब ये बोलते हैं वीडियो में भी कि रीपर हम सब्सिडी काट के दे रहे हैं, तो ऐसा अपने यहाँ ये है? ऐसा कोई सुविधा नहीं है हमारे पास, सब्सिडी काट के नहीं देते हैं हम। जो भी कस्टमर आता है उसका जो फॉर्मेलिटीज ही है वो हम पूरी करवा देते हैं, बाकी सब्सिडी आने पे ही कस्टमर को मिलेगी बाद में। अभी फिलहाल हैंड टू हैंड वाला कोई सुविधा नहीं है इसमें। अच्छा, ये क्या सिस्टम होता है कि मतलब सब्सिडी काट के मतलब रीपर मिल जाए? देखो जी, सब्सिडी काट के कई कंपनी वाले क्या करते हैं कि उस रीपर की कीमत ही 2 से 2.5 लाख रुपए होती है, उस कंपनी को बता देते हैं कीमत 3,60,000 रुपए पर, यानी 50-60,000 रुपए हम कम कर देते हैं, तो उस पोजीशन पे जो करती है। मगर इस कंपनी की प्रोडक्ट अच्छा है, माल हैवी लगा हुआ है, इसकी कीमत ही 3-3.5 है, इसको हम क्या सब्सिडी काट के देंगे? वो जिनका नहीं बिकता है जो, वो तो वो ये ट्रिक की इस्तेमाल करते हैं, वो उस भ्रम में कासकर लोग ना फंसे। मतलब किसान को भ्रमित करते हैं? हाँ जी, भ्रमित करते हैं। उसकी कीमत ही लगभग मान के चलो 3 लाख के आसपास हुई, उसकी कीमत बढ़ा के बता दी 3,60,000 और उसमें 50-60,000 रुपए कम कर दिए, तो भैया जी आधी सब्सिडी हमने काट दी है, तो वो कुछ ऐसा नहीं, उसकी कीमत ही वो एक्चुअल वो ही होती है जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी। और भाइयों, मेरा मकसद तो ये है कि किसान भाइयों को बेहतर से बेहतर चीज दिखाओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब जो बात है ओरिजिनल दिखाओ। हाँ जी, सही बात है। कोई भाई सस्ता रीपर अगर ले लेगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। सीजन में भाई साहब, ये सीजन 15 से 20 दिन का सीजन होता है। अच्छा। खासकर 15 से 20 दिन में अपना कमाई करनी होती है, उसको हल्का रीपर दे दो, उसके बाद में अपना सीजन में टूट फूट होती रहो, तो उसका सीजन तो हो गया बर्बाद, इतने पैसा लगाने का कोई फायदा तो है नहीं। बिल्कुल। केएस का रीपर है आज, अगर 50,000 रुपए महंगा है तो जिस दिन भी आपको 2-4 साल बाद इसको सेल करोगे तो 70,000 रुपए ही आपका महंगा बिकेगा अदर रीपर के मुकाबले। अच्छा जी। हाँ जी, इसकी इतनी मार्केट है। अच्छा, फिर लोन सुविधा भी है बैंक वाली? हाँ जी, बैंक से आप लोन वगैरह कराना चाहो तो जिस बैंक में कस्टमर का लेन देन चलता है उसकी कोटेशन हमसे मांगेंगे तो हम कोटेशन दे देंगे कस्टमर को, बाकी वो बैंक से संपर्क करे, लोन भी हो जाता है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैंने आपको केएस कंपनी का रीपर दिखाया और आपको किसान भाई से मिलवाया, इस रीपर के बारे में मैंने आपको फुल जानकारी दी, ठीक है। सब्सिडी के चक्कर में आप ना पड़े, ठीक है, पहले आप डीलर से जांच पड़ताल कर लें, ठीक है जी। और एक बार आप अगर केएस रीपर चलाएं तो उसके बारे में अपना फीडबैक जरूर दें। और ये 60-55 ट्रैक्टर है, किसान भाई इस ट्रैक्टर से भी बहुत खुश है। ट्रैक्टर की मैं वीडियो लेके आऊँगा, रीपर पर आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा कि कितने मिनट में ट्रैक्टर ने ट्रॉली भरी, कितना डीजल लिया, ठीक है जी। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।